जय गुरुदेव नाम किसका। ऐसा नियम बनाओ कि जब सुबह या शाम को जब आओ तो यहाँ आकर के सुमरण जरूर, जब पांच नाम का सुमरण करोगे ठीक से एक वक्त, चाहे शाम को चाहे सुबह, नहीं होना चाहिए कि अपने को सुमरण पूरा करना, नाम को भी लेना उस रूप को भी याद करना, फिर उसके बाद समय रहे 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट तो ध्यान पे बैठ गए, नहीं समय हुआ तो उठ गए, सुमरण का जरूर हो, नहीं सुमरण पूरा नहीं होगा तो लाभ नहीं करेगा भजन ध्यान में। सुमरण बहुत ही जरूरी है, जितना सुमरण जरूरी है उतना भजन ध्यान, क्योंकि सुमरण से ही भजन ध्यान बनेगा। तो हम लोग जो है नाम और उसके रूप को नहीं याद करते तो उसमें है ये कमी रहती है। कभी कभी तो ऐसा लोग करते हैं ज़्यादा तादाद में कि कर रहे और बीच में उठ गए तो जैसा कहते ऐसा खंडित हो गया। तो पूरा सुमरण होना चाहिए और ये सत्संगों में कमी रहती है, इसी कमी को थोड़ा दूर कर रहे। तभी तो ऐसा होता है कि थोड़ा भजन में बैठे तो बीच में उठ गए, मन ने उठा दिया, तो ध्यान में बैठ गए तो फिर उठा दिया बीच में कि चलो 2-10 मिनट हो गए होंगे तो 2 ही मिनट हुए उसी में उठा ले गया और कुछ काम कुछ नहीं है। तो ऐसा होता है, फिर सुमरण होना बहुत जरूरी, सुमरण से रुचि बनेगी और सुमरण का फल ध्यान भजन में तब मिलेगा। अच्छा, जितने भी सत्संगी आए यहाँ रहते हैं, आप लोग वहाँ खेत में सब्जी उखाड़ने के लिए ना कूद पड़ा करें, भंडारे में आती है सब्जी, गलती का काम मत किया करो। जब एक नियम बना हुआ है कि सब्जी भंडारे में आती है तो आप हाथ पैर मत मारा करो, फिर शिकायत करेंगे तो अच्छी बात नहीं होगी, ये आदत खराब रहती है, फिर सत्संगियों के लक्षण नहीं मालूम होते। जय गुरुदेव। ये जो पीछे से आते हैं घंटी लगती है 5 बजे, यहाँ आओ तुम इधर आओ, कौन आई है ये जो पीछे चले आ रहे हैं, समय से आया करो, घंटी बजती है 5 बजे तो देर लगाते हो, थोड़ा समय से आओगे तो ठीक रहेगा। कोई बात होना हो सत्संग की छूट जाए बस रह गए फिर लौट गए। अब होली का कार्यक्रम अब करीब आ रहा, आज 14 तारीख हो गई, 5-6 दिन और बाकी है तब शुरू हो जाएगा सत्संग। चलो रामपाल ले जाओ, उठ जाओ सब, उठो जल्दी से 15-20 मिनट इधर जाओ।